पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने शिवराज सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी जोरों पर है, इन दिनों माफिया सक्रिय है। उन्होंने शिवराज सरकार को किसान विरोधी बताया। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि शिवराज सरकार में किसानों की अनदेखी की जा रही है, यूरिया खाद की कालाबाजारी जमकर की जा रही है, इन दिनों माफिया फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा उनकी सरकार में नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाती थी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया, लेकिन अब भाजपा की सरकार आते ही किसानों के साथ फिर अन्याय शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा लगातार जनता के सामने आ रहा है। मैं पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के राज में जो यूरिया की कालाबाजारी हो रही है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार की के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी पिछले दिनों अशोकनगर में 302 टन यूरिया की कालाबाजारी की खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई हैं। अभी पिछले दिनों नरसिंहपुर में 22 व्यक्तियों को 902 मेट्रिक टन यूरिया देने की बातें जो है सामने आई है। हमारी सरकार में हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला करके ऐसे लोगों को कटघरे में खड़े करने का काम किया था, उनको कानून के दायरे में लाने का काम करा था, जो किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का, उनको हानि करने का काम करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दोबारा ऐसे माफिया लोग सक्रिय हो गए हैं जो किसानों के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं और उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।